हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय को देखकर मैं भी हैरान हूँ कि इतना बड़ा कैंपस। अभी देखिए, मैं अभी एंट्री करने वाला हूँ यहाँ पर और आपको भी मैं दिखाऊंगा पूरा अंदर चलकर कि ये विश्वविद्यालय कैसा है। आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय इतना पुराना है, इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं पैदल हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी जाता है इस विश्वविद्यालय में तो कार, ऑटो, बाइक, हर एक चीज़ से इस विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आप भी घूमते घूमते थक जाएंगे। मैंने ये ऑटो बुक किया है, ये हमारे ऑटो ड्राइवर हैं और यही हमें जो है पूरा अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, पूरा घुमाएंगे। तो देखिए, मैं एंट्री कर चुका हूँ यहाँ पर अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग गाड़ी से ही चल रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय है कि अगर आप पैदल घूमेंगे तो आपको पूरा दिन भर लग जाएगा इसे घूमने के लिए। मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, इस विश्वविद्यालय में लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। तो आपको स्टूडेंट की संख्या जानकर इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यह कितना बड़ा विश्वविद्यालय है। तो देखिए, मैं यहाँ पर, यहाँ के रोड्स आप देख सकते हैं कैसे हैं, यहाँ पे आजू बाजू जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये अलग संस्था है, ये दिख रहा होगा प्रबंधन शास्त्र संस्था। उसी तरीके से यहाँ पे 6 संस्थान हैं जो अलग अलग विभाग को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे टोटल 140 विभाग हैं, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और इसकी स्थापना के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना जो है 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुआ था। और यह वाराणसी में स्थित एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आप बोल सकते हैं, हमारे भारत का लगभग बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है ये। और इसकी स्थापना में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, जिसमें सबसे मुख्य योगदान मदन मोहन मालवीय जी का है और एनी बेसेंट जी हैं और बहुत सारे लोगों के योगदान के फलस्वरूप ही यह संस्था जो है आज आपके सामने जो जैसा दिख रहा है वैसा है ये। तो देखिए, यहाँ पे ये कला संकाय है, ऐसी अलग अलग संकाय हैं यहाँ पर, तो टोटल 14 संकाय हैं और 140 विभाग है। तो हर एक चीज़ की यहाँ पर अलग पढ़ाई होती है। सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग संस्थान मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि मैथ्स के लिए अलग संस्थान है, बायो के लिए अलग संस्थान है, साइंस के लिए अलग संस्थान है। उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा ये विज्ञान का संस्थान है ये। तो मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा जो है दिखा रहा हूँ और आप, मुझे लग रहा होगा कि आपको ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलिए या काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोलिए, दोनों एक ही नाम है। यहाँ की संस्था जो है बहुत ही बड़ी संस्था है। आपको बता दूँ मैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है लगभग 1300 एकड़ में फैला है। इसकी दो ब्रांच है ना, जिस ब्रांच में आपको मैं यहाँ पे विज़िट करा रहा हूँ, आप लोगों को ये सारे नज़ारे दिखा रहा हूँ, ये लगभग 1300 एकड़ में फैला है, 1300 एकड़। और इसकी एक और ब्रांच है जिसमें यह 2700 एकड़ में मिर्ज़ापुर में स्थित है, वहाँ पर फैला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है यह यूनिवर्सिटी। ये देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ जी का एक मंदिर भी है। तो देखिए, ये मंदिर है, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि अभी जो है ये मंदिर चालू है, मैं आपको अंदर से जाकर दिखाऊंगा कि ये कैसा नज़ारा है इसका। अभी देख लीजिए आप बाहर से कैसा है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और हम जो है आपको मैं पूरा यूनिवर्सिटी अंदर तक सारा हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ, और इसमें से एक है ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। ये देखिए, ये कितना प्यारा, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और इसी के साथ ही हम अपनी यात्रा जो है समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट और